एलियन व यूएफओ इंटरनेट का सबसे रहस्यमय टॉपिक माना जाता है, क्योंकि हमारे सामने काफी सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने एलियन या यूएफओ को देखा है, या फिर उन लोगों को इस विषय में कुछ जानकारी है। लेकिन कुछ ऐसे भी कारण हैं कि यह सब चीजें प्रमाणित रूप से हमारे सामने नहीं आ पाती और लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ता ही जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑफबीट की एक और रोमांचक वीडियो में, जहां आप जान पाएंगे एक ऐसे व्यक्ति की अद्भुत और रहस्यमय दास्तां, जिसे सुनने के बाद आप लोग भी मानने लगेंगे कि सच में ही ऐसी कोई न कोई शक्ति मौजूद है जो नहीं चाहती कि दुनिया के सामने एलियन की कोई जानकारी आ पाए। यह कहानी एक 24 साल के लड़के की है जो ब्राजील में रहता था, जो कि साइकोलॉजी का एक स्टूडेंट था, जिसे लोग ब्रूनो बोर्गस कहकर बुलाते थे, जिसे बचपन से ही एक्स्ट्रा टेरल एक्टिविटी, एलियन, इल्यूमिनाटी जैसे विषयों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। वह एलियन व यूएफओ से इतना ज्यादा प्रभावित था कि वह पूरा दिन इन्हीं के बारे में सोचता और पढ़ता रहता था। वहीं उसने इंटरनेट पर भी इन्हें खोजने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, यह ब्रूनो के कमरे की है, जहां उसने अपने कमरे के हर दीवार पर कुछ ना कुछ लिख रखा है। यह सब चीजें बताती हैं कि वह कितनी बुरी तरह से एलियन के बारे में रिसर्च कर रहा था और उसको इन सभी विषयों से कितना ज्यादा लगाव था। यह वीडियो ब्रूनो के गायब होने के कुछ दिनों बाद बनाई गई। इस वीडियो और ब्रूनो के कमरे में पाई गई चीजों ने इस केस को काफी ज्यादा विचित्र और रहस्यमय बना दिया। 27 मार्च 2017 को रहस्यमय तरीके से गायब हुआ ब्रूनो ने कुछ ही हफ्तों पहले अपने घर वालों से फोन पर कुछ पैसे मंगवाए थे। उसने कहा था कि वह किसी सीक्रेट प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जिसके लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत है, और यदि उसका ये प्रोजेक्ट अच्छे से पूरा हो जाता है तो यह इस दुनिया की मानवता को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। ब्रूनो के कमरे में 14 ऐसी किताबें मिली जिन पर 1 से 14 तक रोमन नंबर लिखे हुए थे, जिन्हें ब्रूनो ने खुद लिखा था, लेकिन उन्होंने इसे हिंदी या अंग्रेजी में नहीं, किसी और ही लैंग्वेज में लिखा था, जिसमें हर शब्द का एक विशेष अर्थ निकलता है और इसे केवल लिखने वाला ही पढ़ सकता है। उसने इसे इस तरह इनक्रिप्टेड लैंग्वेज में क्यों लिखा, यह आज भी एक सवाल है। रिसर्चर्स के अनुसार उसमें एलियन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि उसमें एलियन का पूरा सच लिखा हुआ है, कि वो असल में क्या है, कहां से आए और उनका लक्ष्य क्या है। आखिरकार इस 24 साल के बच्चे के पास ऐसी कौन सी जानकारी थी जो दुनिया बदल सकती थी, यह वो सवाल है जो ब्रूनो के साथ साथ हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन अगर ब्रूनो वापस आ जाए तो काफी बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं, और हो सकता है और जिन पैसों से वह अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने की बोल रहा था, सरकार उसे बड़े पैमाने पर पैसे व सुविधा भी मौजूद करवा पाती। आखिरी समय में ब्रूनो एक कैमरे को बैग में रखकर अपने घर से निकला था, जिसके बाद एक टैक्सी ली और मोटल के लिए निकल गया था, जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। उस मोटल स्टाफ को भी ब्रूनो की कोई खबर नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन द्वारा पाया गया कि ब्रूनो को एक सीक्रेट सोसाइटी द्वारा इनविटेशन भेजा गया था, जिसमें ब्रूनो को उस सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन करने का आमंत्रण भी दिया गया था। आखिर वो कौन थे जिन्होंने ब्रूनो को इनविटेशन भेजा था? क्या वो सच में ही एक सीक्रेट सोसाइटी थी या फिर कोई साजिश? आखिर ब्रूनो ने अपने रूम में ऐसी फोटो क्यों लगा रखी थी जिसमें वो एक एलियन के साथ खड़े हैं? आखिर ब्रूनो ऐसा क्या जानता था कि उसको दुनिया की नजरों से ओझल कर दिया गया? ब्रूनो को एक सीसीटीवी में आखिरी बार देखा गया, जहां वह डरकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह किससे डरकर भाग रहा था इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हो सकता है वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हो, लेकिन वह अपनी जान नहीं बचा पाया हो। इन सभी शायद का जवाब केवल समय के पास है। शायद ही हम ब्रूनो को ढूंढ पाए और उससे इन सभी बात को पूछ पाए कि उसके साथ उस समय क्या घटा था। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या वास्तव में एलियन होते हैं और क्या ऐसा कुछ संभव भी है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।